प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपको निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की टाइप्स के बारे में बताएंगे। सबसे पहले है इनलैंड निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इनलैंड का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो कि भारत में लिखा गया है तथा जिसका भुगतान भारत में ही होना है, जिसको लिखा गया है वो भी भारत का ही निवासी है, तो इसे इनलैंड इंस्ट्रूमेंट कहेंगे, जो कि सेक्शन 11 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट्स में आता है। दूसरा है फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, जो कि भारत के बाहर लिखा गया है, जिसका भुगतान भारत के बाहर होना है। जैसे हम एग्जांपल दे सकते हैं, ये है इंडिया, मान लीजिए ये इंडिया है, इसमें जो भी इंस्ट्रूमेंट लिखा जाएगा या स्वीकार किया जाएगा या जिसको पेमेंट मिलनी है वो इंडिया का होना चाहिए। और आउटसाइड, मान लो कोई इंस्ट्रूमेंट यूएसए में लिखा गया है था यूएसए में ही भुगतान हो गया है, तो वह फॉरेन इंस्ट्रूमेंट कहाएगा। अब आ जाइए अकोमोडेशन इंस्ट्रूमेंट। देखिए, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मान लो चेक है, बिल ऑफ एक्सचेंज है या कुछ भी है, वो किसी किसी लाइबिलिटी की पेमेंट के रूप में होता है, एज ए उसे वार्ड कह सकते हैं या पेमेंट कह सकते हैं। जब कोई काम ना किया जाए या कोई सर्विस ना दिया जाए या ना या कोई प्रोडक्ट नहीं सेल किया गया, बिना किसी प्रतिफल के कोई इंस्ट्रूमेंट लिखा जाता है या भुगतान देने के लिए आदेश दिया जाता है, तो उसे अकोमोडेशन इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। इसको हम कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट रिटर्न विदाउट कंसीडरेशन। बिना रिवार्ड का, मान लीजिए, इसको हम एग्जांपल से बताते हैं कि ए ने हेल्प करनी है बी की, तो ए एक इंस्ट्रूमेंट लिखता है तथा बी उसे डिस्काउंट करा लेता है बैंक से, तो इसकी हेल्प हो जाती है। ऐसे ही ए बी को बिना किसी कारण के चेक दे देता है, चेक, तो भी यह अकोमोडेशन इंस्ट्रूमेंट होगा, क्योंकि ए ने कोई भी सर्विस बी से नहीं ली। आगे आ जाइए फैक्टिशियस बिल। फैक्टिशियस बिल का मतलब यह होता है कि ऐसा कोई भी बिल जिसमें जो उसका राइटर है या आदेश देने वाला है वो नकली हो, बनावटी हो, पर जिसके पास यह बिल है उसको तो पेमेंट मिलेगी ही मिलेगी। उसके बाद सिक्स जो टाइप है, अनडेटेड इंस्ट्रूमेंट। यदि इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डेट नहीं लिखी गई तो भी इंस्ट्रूमेंट वैलिड होगा, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट की पेमेंट ऑन डिमांड भी हो सकती है। एंड लास्ट, बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट भी एक इंस्ट्रूमेंट है जो एक बैंक द्वारा दूसरे बैंक को लिखा जाता है।
जैसे ए बैंक है या बी बैंक है। अब मान लो कि मिस्टर सी है, इसने मिस्टर डी को पेमेंट देनी है, तो जो मिस्टर डी है वह उससे काफ़ी दूर रहता है। अब मिस्टर सी ए बैंक में जाएगा, मान लो 10,000 रुपये का बैंक ड्राफ्ट बनाता है, तो ए बैंक डी पार्टी के नाम पर 10,000 का बैंक ड्राफ्ट बना लेता है। अब यह बैंक बी बैंक को आदेश देता है कि बी बैंक डी बैंक को जब भी यह बैंक ड्राफ्ट मिलेगा इसको पेमेंट कर दे। तो यह भी एक इंस्ट्रूमेंट की टाइप है। ओके, थैंक यू।